उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ आज प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज पुलिस ने शहर के चक निरातुल इलाके में गुड्डू मुस्लिम के 3 मंजिला मकान पर कुर्की की कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस ने बाकायदा डुगडुगी बजाकर पहले कुर्की की कार्यवाही का ऐलान किया और फिर कुर्की की कार्यवाही की है। आज उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम, जिस पर 5 लाख का इनाम है, उसके खिलाफ हमने माननीय न्यायालय से धारा 83 CRPC के तहत आदेश प्राप्त किया था। उसी के तहत ये कार्रवाई करी गई है। यहाँ जिसका मकान जो है चकिया में, उसको कुर्क किया गया है। इससे पहले भी जो कार्रवाई हुई थी, क्या थी और आज क्या किया गया? पहले इसमें एक प्रक्रिया होती है, NBW हासिल किया जाता है, फिर 82 की कार्रवाई, जो 1 महीने का नोटिस सर्व करना होता है, और उसके बाद ये 83 की कार्रवाई करी जाती है। इसके तहत ये कुर्क किया जाता है। कुल 6 लोगों के खिलाफ हमने 83 की कार्रवाई करनी है। इनका आदेश हमने माननीय न्यायालय से प्राप्त कर लिया है और आने वाले दिनों में सबके खिलाफ ये कार्रवाई करी जाएगी। आज सिंगल ही है? आज अभी इनके खिलाफ हुई है। ठीक है, थैंक यू। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है और वो कई महीनों से फरार चल रहा है। गुड्डू मुस्लिम पर पुलिस रिकॉर्ड में 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुड्डू मुस्लिम बम बनाने का मास्टर था और उसने उमेश पाल और 2 गनर के मामले में दर्जनों बम उमेश और गनर पर मारे थे, जिसका वीडियो भी सामने आया था। अतीक अहमद के बेटों की आर्थिक मदद करने के अलावा गुड्डू अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का खास राजदार था।